बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मैंने देखा है कल से दो न्यूज सबको डाइवर्ट करके रखा हुआ है। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में या फिर कहीं भी देखिए तो ये न्यूज वायरल हो रही है। पहला तो ये कि ग्रुप सी की जितनी भी भर्ती आएगी अब यूपी ट्रिपल एससी से यूपी में वो सब संविदा पे होगी। और दूसरी न्यूज जो है वो है जो एज लिमिट को लेकर के, जो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं यूपी में उसकी एज लिमिट जो है 30 साल कर दी जाएगी। तो ये दो न्यूज से अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। दो दिनों से आप लोग हर जगह इस न्यूज पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बस यही कहूंगी जो भी चीजें हैं बस और बस न्यूज पेपर में है और ये एक साजिश है आप सबको डाइवर्ट करने की, ताकि आप लोग मेन मुद्दे से हटे रहे। आप लोग न्यू वैकेंसी का डिमांड ना करें, आप लोग रिजल्ट के लिए डिमांड ना करें, आप लोग किसी चीज के लिए आवाज ना उठाएं, इसलिए आप लोग को डाइवर्ट करने की एक साजिश है। तो आप लोग मेन मुद्दे से बिल्कुल ना भटके और इस न्यूज को लेकर के डाइवर्ट ना हो, पढ़ाई पे फोकस्ड रहे और न्यू वैकेंसी की लगातार डिमांड करते रहे। अपने जो भी पेंडिंग रिजल्ट है यूपी ट्रिपल एससी से उसके लिए डिमांड करते रहे। कोई भी चीजें ऐसे लागू नहीं होती है, कोई भी नियम तभी बनेगा जब आप चाहेंगे, और अगर आप यूनाइट रहे, एकजुट रहे, तो कोई भी नया नियम लागू नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को भी जरूरत है यूनाइट होके अपनी आवाज को एकदम मजबूत बनाने की, ताकि अगर ये कुछ ऑफिशियल होता भी है तो आप लोग इसके लिए आवाज उठा सके। किसान आंदोलन आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए किसान यूनाइट है तो इस बिल को गवर्नमेंट नहीं पास कर पा रही है, तो इसी तरह आप लोगों को भी यूनाइट रहने की जरूरत है, ताकि कोई भी नया जो भी नियम है जो कि युवा विरोधी या फिर जो अभ्यर्थी के विरोध में है वो लागू नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को मुझे देना था, और भी इसी तरह का कुछ मुझे लगेगा, तो मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।